पीएम मोदी का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। 11 से 13 सितंबर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो बता दें कि सेमिकॉन इंडस्ट्री में भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए ये कार्यक्रम, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री मोदी आज 10:30 बजे करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए कल भी पहुंचे थे और आज भी यहां पर मौजूद, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे और लगभग 1.5 घंटे इसी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, रूट डायवर्जन किया गया है और कार्यक्रम बेहद अहम है क्योंकि सेमिकॉन इंडस्ट्री, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कई बार संबोधित करते हुए देश को ये बता चुके हैं कि किस तरीके से भारत इस ओर बढ़ने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, कितना वक्त और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के लिए ग्रेटर नोएडा में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? का कार्यक्रम है और सेमीकंडक्टर में भारत का दबदबा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, उसी को लेकर 26 देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। और पहुंचने के अगर टाइम की बात की जाए तो 10:25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां उतरेगा और उसके बाद 10:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जो तस्वीरें हैं सुरक्षा की, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊँ। अब देखेंगे, ये गोलचक्कर है, यहीं से इंडियन एक्सपो मार्ट तक तमाम गाड़ियाँ जाएंगी। रूट डाइवर्जन करना शुरू कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बैरिकेटिंग है वो लगा दिए गए हैं। इस गोल चक्कर से कोई भी गाड़ियां अब नहीं घूम पाएंगी, आगे से यूटर्न लेकर आना होगा। और जितने भी देश इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, सबके झंडे आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। सभी के झंडे यहां पर लगाए गए हैं, तकरीबन 26 के आसपास देश इसमें हिस्सा लेंगे। और सेमी कंडक्टर का हब ग्रेटर नोएडा में विकसित करने के लिए 1000 एकड़ में ग्रेटर नोएडा की यमुना प्राधिकरण के इलाके में एक पार्क को डेवलप किया जा रहा है। उसमें किस किस तरीके की विशेषताएं होंगी, क्या क्या सुविधाएं उन कंपनियों को जो सेमीकंडक्टर बनाना चाहती हैं, वो कंपनियां देश की हों या विदेश की हों, उन तमाम कंपनियों को लेकर यहां प्रधानमंत्री अपने संबोधन करते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ कल यहां पहुंचे थे और जो तमाम तैयारियां हैं उनका जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके की बात की जाए तो एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर का हब बनाने की इस प्लानिंग के तहत इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन प्रेम से कहूंगा कि अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं। आप देखेंगे ये रास्ता सीधा इंडिया एक्सपो मार्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो गेट है जहाँ से तमाम VVIP लोग एंट्री करेंगे, 26 देशों के आसपास के डेलीगेशन के साथ साथ, जो भारत की कई ऐसी कंपनियाँ सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर चुकी हैं या बनाना चाहती हैं, उन तमाम कंपनियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद होंगे। 4 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। एक लेयर जो गोलचक्कर की तस्वीर में आपको दिखा रहा था ये है, दूसरा आप तमाम जो पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पर खड़े हुए देखेंगे और इसके बाद गेट पर, इस गेट से केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो VVIP है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो अन्य लोग हैं उनको 3 नंबर गेट से एंट्री दी जा रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की भी चूक ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा कार्यक्रम पर।